नमस्कार दोस्तों, हमें अपने गार्डन के सभी पौधों में देसी खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं आपको मेरे गार्डन के कुछ पौधे दिखा रहा हूं और आप उन पौधों को देखकर अपने आप ही अंदाज़ा लगा लोगे कि देसी खाद के पौधों में डालने पर क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मेरा ये गुड़हल का प्लांट दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, छोटा सा प्लांट है और इसमें कितने सुंदर बड़े साइज़ के फूल खिले हुए हैं। इस प्लांट में हर रोज़ फ्लावरिंग होती रहती है। आप इसके फूलों का साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही बड़े साइज़ का फूल इस पौधे में खिला हुआ है। यदि आप भी अपने गार्डन के सभी पौधों की ऐसी ग्रोथ चाहते हैं और ऐसी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो आप अपने सभी पौधों में केवल देसी खाद का ही इस्तेमाल कीजिए। कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधों में ना डालें। ये देखिए दोस्तों, ये कलांचो के पौधे हैं और आप देखिए कलांचो के पत्ते कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं। ये देसी कलांचो के पौधे हैं और मैंने इनकी कटिंग लगाई थी। कटिंग लगाने से पहले मैंने इनकी मिट्टी में ऑर्गेनिक किचन वेस्ट कंपोस्ट और थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट मिला दिया था। आप देखिए उसका कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। इनके पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। जैसे ही सर्दी का सीज़न स्टार्ट होगा, इन पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर जनवरी में इन पौधों में 1.5 से 2 महीने तक लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। कलांचों के इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही है। जब इनकी फ्लावरिंग एक बार स्टार्ट होती है तो इनके फूल कम से कम 1.5 से 2 महीने तक खिले रहते हैं और ये पौधे एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। इन पौधों को हर कोई अपने गार्डन में शामिल करना चाहता है। रात की रानी की ग्रोथ देखिए दोस्तों, ये प्लांट रात के समय फ्लावरिंग करता है, इसीलिए इस प्लांट को हम रात की रानी के नाम से जानते हैं। इसके सफ़ेद कलर के फूल रात के समय ही खिलते हैं जो बहुत ही खुशबूदार होते हैं। इन पौधों को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। अब मैंने इसमें भी एक बार देसी खाद डाली थी और देसी खाद से देखिए ये पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसकी नई नई ब्रांचेज एक साथ निकल रही हैं और ये प्लांट बहुत ही घना बन गया है। मेरे गार्डन में मोगरा के पौधों की भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये पौधे बहुत ही घने बन गए हैं। इनमें भी लगातार फ्लावरिंग हो रही है। अब तो बारिश के सीज़न में थोड़ी सी फ्लावरिंग इनकी कम हो गई है। पिछले 15 से 20 दिन पहले इनमें लगातार फ्लावरिंग हो रही थी और ये पौधे फूलों से भरे हुए थे। अभी भी इसमें फ्लावरिंग चलती रहेगी। आप इन पौधों की ग्रोथ देखिए, इनके पत्ते कितने चमकदार हैं और इनकी कितनी ब्रांचेज फैली हुई हैं। ये देसी खाद डालने का ही कमाल है कि ये पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। मैं अपने गार्डन के सभी पौधों में केले के छिलकों की खाद भी डालता हूँ और चाय पत्ती की खाद भी डाल देता हूँ। केले के छिलकों में पोटाशियम और कैल्शियम पाया जाता है जो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक टॉनिक होता है। इसी प्रकार ये देखिए गुलदाउदी के पौधे हैं। गुलदाउदी के पौधों में मैंने एक बार इसमें काउडंग कंपोस्ट मिक्स कर दिया था। काउडंग कंपोस्ट इसकी मिट्टी में मिक्स करने के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसके पत्तों की ग्रीनरी कितनी बढ़ गई है। काउडंग कंपोस्ट में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है जो पौधों की पत्तों की अच्छी ग्रोथ के लिए सहायक होता है। सर्दी के सीजन में गुलदाउदी के पौधे भी फूलों से लदे रहते हैं, मगर अब इस समय हमें इन पौधों की अच्छी देखभाल करनी है और इनकी अच्छी ग्रोथ करके इनको घना बनाना है। और मेरे ये गार्डन के गुलदाउदी के पौधे बहुत ही घने बन गए हैं। अब मैं इन पौधों की कटिंग भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास इनके बहुत सारे पौधे तैयार हो गए हैं। सभी पौधों में केवल ऑर्गेनिक खाद ही डालनी चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र जब हम पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ग्रोथ एक बार तो फास्ट होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है और ये पौधे 1-2 साल ही चलते हैं, उसके बाद सूखने लगते हैं। यदि हम अपने पौधों में केवल ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो कई सालों तक हमारे गार्डन में ये पौधे हरे भरे रहते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग होती रहती है और जो फ्रूटिंग प्लांट है उसमें फ्रूटिंग भी होती रहती है। पोर्चुलाका को मैंने वेस्ट बोतल और खाली कंटेनर में लगा रखा है। जब मैंने इनका पोटिंग सोयल तैयार किया तो उसी टाइम मैंने इनकी मिट्टी में थोड़ी सी चाय पत्ती और काउडंग कंपोस्ट मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने इन पौधों में कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाली है। उसी का कमाल है कि देखिए दोस्तों, इनमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है और इनके फूलों का साइज़ भी बड़ा है और इनके फूल भी बहुत चमकदार हैं।
मेरे पास इनकी 4-5 वेराइटीज़ हैं और इन सभी की बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। एक बार ही जब हम इनका अच्छा पोटिंग सोयल तैयार कर लेते हैं और इनको एक अच्छी लोकेशन दे देते हैं तो ये पौधे लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। मोस रोज के इन पौधों में पूरी गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। सर्दी के सीज़न में ये पौधे थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं, उसके बाद मार्च अप्रैल में दोबारा से इनमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। मार्च अप्रैल में जब आप इनको लगाते हैं तो इनके लिए एक नया पोटिंग सोयल तैयार कर लें। ऐसी लोकेशन में पोर्चुलाका के पौधों को रखिए जहां अधिक से अधिक सनलाइट इनको मिल पाए। उसके अलावा हमें इन पौधों में और कुछ काम नहीं करना है, केवल 5 से 6 दिन के अंतराल पर इनमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब बरसात के सीज़न में तो इन पौधों में पानी डालने की आवश्यकता भी नहीं है। जब इनके गमलों में पानी भर जाता है तो हमें इनके गमलों में से पानी निकालना पड़ेगा। आप देखिए, ये पर्सलेन है और पर्सलेन को भी मैंने काउडंग कंपोस्ट में लगा रखा है और आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो गई है और ये पौधा फूलों से भरा हुआ है। गर्मी के सीज़न में जहाँ फूलों की कमी हो जाती है, ये पौधे हमारे गार्डन में फूलों की कमी नहीं होने देते और ये पौधे पूरी गर्मी के सीज़न में फ्लावरिंग करते रहते हैं। येलो कलर की ये वैरायटी मैंने पिछले साल अपने गार्डन में ऐड की थी। देखिए दोस्तों, कितने सुंदर फूल इसमें खिले हुए हैं। छोटी सी एक ब्रांच यदि हम इनके गमले में लगा लेते हैं तो ये पूरे गमले में फैल जाती है और एक दो बार यदि आप इनकी पिंचिंग कर देते हैं तो फिर तो ये पौधे और भी घने बन जाते हैं। आप पोर्चुलाका के इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें और इनमें केवल ऑर्गेनिक कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। अभी भी इन पौधों में नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं और इनमें नए नए फ्लावरिंग बर्ड्स बन रहे हैं। ये पौधे अब फूलों से भरे हुए हैं। सितंबर अक्टूबर तक इन पौधों में फ्लावरिंग होती रहेगी। मनी प्लांट को मैंने नीचे ज़मीन में लगा दिया था जिसमें मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट मिली हुई थी, तो आप देखिए ये पत्ते कितने बड़े साइज के हो गए हैं और ये पत्ते बहुत ही चमकदार दिखाई दे रहे हैं। आप भी अपने सभी पौधों में केवल ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल कीजिए। गुलाब का एक पौधा जिसमें पीले कलर के फूल खिलते हैं, मैंने एक गमले में लगा रखा है। छोटा सा पौधा लगाया था और देखिए कितनी फास्ट ग्रोथ हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है और इसमें रेड कलर के बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। इन पौधों में लगातार हर रोज़ फ्लावरिंग होती रहती है। मैंने इसकी मिट्टी में 2 बार केले के छिलकों को दबा दिया था। केले के छिलकों में पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। या तो आप केले के छिलकों को डायरेक्ट ही पौधों की मिट्टी में दबा सकते हो या फिर इनका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हरसिंगार का पौधा है जिसको हम पारिजात के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की भी आप ग्रोथ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल यही पौधे दिखा रहा हूं। आप अपने गार्डन के सभी पौधों में केवल ऑर्गेनिक खाद ही डालिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।